थोड़ा देखिए पीछे क्या दृश्य है, मंदिर मंदिर है, आरती वारती यहाँ होता है, इस टाइप का बड़ा बड़ा मंदिर है। हमको लग रहा है आरती वारती का टाइम हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, उठाना है क्या, उठाना अच्छा मूर्ति उठाना है, एकदम उठाएंगे एकदम उठाएंगे। तो यहाँ पार हो रहे थे और अचानक हमें बहुत ही अनोखा मौका मिल गया। आरती का समय हो रहा है। बोलो गंगे मैया की जय। देख सकते हैं आरती का तैयारी हो गया है, मूर्ति हमें ले आ, क्या हो रहा है जरा बताइए। आरती के लिए, आरती के लिए की बाबा आरती के लिए अच्छा जा रही है। अच्छा माता जा रही है, आरती हो गई। तो यहाँ अपने स्वेच्छा से आप मदद कर सकते हैं जो भी चाहे। तो हमारा दोस्त लगा हुआ है, थोड़ी दूर ले आके हमको दीजिएगा, इधर आइएगा ठीक ना। तो अभी आरती का समय हो गया, कितने बजे स्टार्ट होता है पूजा? शुरू हो जाएगा साढ़े, अभी पूजा शुरू हो जाएगा, मूर्ति उर्ति वहाँ रखा जाएगा और जो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मेन आरती 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रोज दिन इस तरह यहाँ पे देख सकते जो मंदिर है, यहाँ से मूर्ति ले आया जाता है। तो आप जो जो चाहे, जिसको स्वेच्छा हो, खुद से मूर्ति आए उठाए और यहाँ पे आप ले जा सकते हैं आरती के लिए। आओ भैया आ जाओ, आइए दीजिए। हाँ पकड़ी पकड़ी आगे दीजिए। हमारा भी लिखी है ये देखिए आरती स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर आपको आरती देखना है तो आपको पहले से अपने सीट्स बुक करने होंगे। दोनों तरफ घाटों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लोग यहाँ पे पैसे दे देके अपने सीट्स बुक करते हैं। तो जिस तरफ मैंने मूर्ति रखा उधर तो पूरा प्राइवेट बुकिंग रहता है, उधर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरफ से मैं आरती देख रहा हूँ, इधर आप आके अपना जगह छेक सकते हैं और अपना मन के हिसाब से जितना भी दान के रूप में चंदा दे सकते हैं और यहाँ से आरती का आनंद आप ले सकते हैं। तो आइए चलिए आरती देखते हैं। आप इससे करिए, इससे करिए, ये वाला दाब के रखिए, वाला दाब।
और आप जो देख रहे हैं गंगा मैया की आरती हरिद्वार में 5:30 बजे से प्रारंभ होता है वही आरती है। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ डेली आरती होता है। उसी का दृश्य भी आप देख रहे हैं। ये दृश्य हरिद्वार का है आज के आरती का। आरती के बाद लोग जाते हुए अब हम लोग टेढ़े मेढ़े पुल से आए थे लेकिन अब सीधे वाले से जाने वाले हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग थोड़े अंधेरे में अंत करते हैं। ये पूरे ब्लॉग में हम लोग ऋषिकेश में अभी ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। आज हरिद्वार आए, हरिद्वार में कहीं नहीं गए, सिर्फ गंगा जी का स्नान किए और हर की पौड़ी में समय बिताए, कुछ खाए पिए, थोड़ा एक्सप्लोर किए, आरती देखे और अब ऋषिकेश की ओर हम लोग यहाँ से पार्किंग से बाइक उठा के निकल जाएंगे। तो ऋषिकेश पहुँच के थोड़ा अपडेट करते हैं कि हम लोग सेफली पहुंच गए और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं।